अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज संडे है, छुट्टी का दिन है। मैं अपना वीकेंड अपने घर पे एंजॉय कर रहा था, बैकयार्ड में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मुझे ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक व्लॉग बना ही लेते हैं। बात आज की है थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी। क्यों? क्योंकि आज व्लॉग हम चेरी पे करेंगे। समटाइम मोस्टली तो मीठी होती है, मगर समटाइम खट्टी भी निकल आती, तो इसलिए खट्टी मीठी। और ये काफ़ी फ्रेश है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये फ्रेश किस तरह से है। बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और इसके फ़ायदों के ऊपर बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होती है ये तो सभी को पता ही है बात। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आपको अगर मसल पेन हो उसमें काफ़ी हेल्प करती है आपको। और सॉरी, मेरा हाथ नहीं रुक रहा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, फ्रेश है इसलिए। तो हाँ, मसल पेन के लिए आपके लिए अच्छी होती है। और मसल पेन के लिए दूसरी तरह से भी अच्छी होती है कि आप अगर जिम वगैरह करते हैं, जब मैं पहले जिम करता था एक्सरसाइज, अभी तो सब बंद है। तो जिम के बाद आपके मसल्स काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंस होते हैं, उनको रिकवरी चाहिए होती है। तो ये काफ़ी हेल्प करती है रिकवरी करने के लिए, बूस्ट करती है आपकी रिकवरी को, तो आपकी रिकवरी जल्दी जल्दी होती है। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट की हेल्थ के लिए। बेरीज, आई थिंक वो तो सारी बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लू बेरी हो गई, वो सारी बेरीज आपके हार्ट के लिए तो बहुत अच्छी होती हैं। और ये चेरी आपके जॉइंट पेन के लिए अच्छी होती है। जॉइंट पेन अगर आपको हो और आप ये इसका इस्तेमाल रखें तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है आपको, काफ़ी रिड्यूस हो जाता है दर्द वगैरह। और आप बाकी आप लोग गूगल कर सकते हैं, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं क्योंकि खानी चाहिए। स्लीप क्वालिटी आपकी इम्प्रूव करती है, आपको सोने में रात को अगर प्रॉब्लम होती है तो अगर आप बेरीज खा रहे हैं तो इससे काफ़ी अच्छी नींद आती है आपको, इसके लिए बहुत अच्छी होती है। और इसको आप अपनी डाइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई डाइट कर रहे हैं किसी भी किस्म की तो उसके अंदर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसका जूस बन सकता है। आप इसको वैसे मोस्टली तो लोग ऐसे ही खाते हैं। और अगर अच्छा, अब उस बात पे आते हैं जिस बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में वीडियो नहीं बना पाऊँगा। आपको अगर इस वीडियो में कहीं चेरीज़ नज़र आ रही हैं, इन ये वाली चेरीज़ की बात नहीं कर रहा, आपको मेरे पीछे एक ट्री नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर चेरीज़ हैं जो कि मैं आपको अभी ले जा कर दिखाता हूँ। और ये इसी ट्री से, इसी दरख्त से मैंने ये चेरीज तोड़ी हैं और मैं आप लोगों को ले आके दिखाता हूँ। ये चेरी ट्री है जो कि हमारे बैकयार्ड में है और हर साल इसके अंदर काफ़ी चेरीज आती हैं, बहुत ही ज़्यादा चेरीज आ जाती हैं इसके अंदर और ये पूरा फुल हो जाता है। अब आप देखें नीचे से ऊपर तक इसमें चेरी ही चेरीज है, देख रहे हैं आप, एकदम फ्रेश। तो जो अभी चेरीज़ मैं खा रहा था, मैंने 10-15 मिनट पहले तोड़ी थी इनको, तोड़ के मैंने धो के वॉश करके फ्रिज में रखा था, ठंडी हो गई। ठंडी चेरीज़ खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो ऐसे तोड़नी है आपको, वॉश करनी है और ठंडी करनी है और उसके बाद खानी है, तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मैं आप लोगों को और क्लोज़अप में दिखाता हूँ, ये देखें ये एकदम रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही जूसी हैं, ये आप देख रहे हैं चेरी सारी फुल है। ये अभी हम लोगों ने इसमें से काफ़ी तोड़ चुके हैं और काफ़ी तोड़ने के बाद भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। अब हम सारी तो हम लोग नहीं खा पाएंगे, ऑब्वियसली हम इसको तोड़ेंगे और थोड़ा सी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स वगैरह में, ताकि वो लोग भी इसके बेनिफिट्स से फ़ायदा उठा सकें। ये देखें ऊपर तक, ऊपर वाली अभी मैंने फिगर आउट कर रहा हूँ कि ऊपर वाली हम कैसे तोड़ेंगे, इसके लिए हमें एक लेटर चाहिए होगी तो उससे ही तोड़ पाएंगे। तो चेरीज आप लोग ज़रूर खाएं, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, काफ़ी हेल्दी फ्रूट है
और अल्लाह की नेमत है, काफ़ी बहुत अच्छी नेमत है। हमारे तो बैकयार्ड में ही है तो हर साल हमें फ्रेश चेरीज मिल जाती है। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। फिर मुलाकात होगी, एंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।